वन विभाग ने पशुओं की चरणों की भूमि का रास्ता किया बंद। वन विभाग और ग्रामवासियों के बीच तनातनी के माहौल के बीच करीब 100 ग्रामवासियों ने तहसीलदार मालधन को ज्ञापन सौंपा है। मामला सागर जिला के बांदरी वन परिक्षेत्र के ग्राम गड़ौला गोसाई का है, जहां वन विभाग ने पौधारोपण नर्सरी के लिए ग्राम गड़ौला गोसाई की चरणोई भूमि का रास्ता ही बंद कर दिया। गड़ौला गांव के पशुओं के लिए अब सारे रास्ते बंद हो जाने से सैकड़ों की तादाद में पशु घरों में बंधे चिल्ला रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि चरणोई भूमि तक पशुओं को पाली रैयत बारी से होकर ले जाना पड़ता है, जहां नेशनल हाईवे होने के कारण वहां से गुजरते वक्त अनेक पशुओं की सड़क दुर्घटना में मौतें हो गई हैं। वन विभाग वालों ने साफ घेरा बस्ती के से लग के रास्ता बंद कर दी है। तालाब के लिए और जंगल के लिए जावे न मवेशी न जनता जावे के लिए परेशान है, और कोई भी जाता है सुबह पुलिस में रिपोर्ट करके आदमों के लिए बंद करवा दे। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि हमारे लिए रास्ता आने जाने के लिए मवेशी को दी जावे। पाली पैसे हमारे मवेशी ले जा, 5-7 गैया मर चुकी ठेला मोटरों से, इससे सर हम उन्हें बहुत परेशान है। क्या मामला जिसके लिए ज्ञापन दिया आप समस्त ग्रामवासी? ग्राम गड़ौला गोसाई में फॉरेस्ट वालों ने जो मवेशी और ग्रामवासियों को करने को रास्ता था तालाब के लिए और अन्य जंगल को लाने और किसान को अपने खेतों के लाने जाने को, वो सब अपने काबिज में कर लिया। वहाँ पर उनने काबिज में करके तार फेंसन कर दी और पेड़ लगा दे, वहाँ पर रखनवारी बैठा दी। इसी वजह से अब ग्रामवासियों को मजबूरन पशुओं को घर बांधना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि बरसों से ग्राम गड़ौला एवं आसपास के गांव के जानवर चरणोई भूमि व तालाब में पानी पीने जाते रहे हैं। विगत माह में वन विभाग के बांदरी रेंज ने बिना सूचना राजस्व हल्का के खसरा नंबर 530 पर चरणोई भूमि पर कब्जा कर तार फेंसिंग कर ली है, जिससे पशुओं का रास्ता बंद हो गया है। पूर्व में भी ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर एवं SDM खुरई को शिकायत कर मामले से अवगत कराया था, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। भारी संख्या में ग्राम पाली रैयतवारी एवं गड़ौला गोसाई के ग्रामवासी आज मालथन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। सुरेंद्र जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, मालथन।